हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। हमारे इस छोटे से चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कल की डेट में यानी 8 फरवरी 2022 कल की डेट में सीजी बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के जो बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं वो अब आपके ही स्कूल में होने हैं, अलग से कोई सेंटर नहीं बनाया जा रहा। पहले ये होता था कि सेंटर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसको छोड़ के बाकी किसी और स्कूल में बनाए जाते थे, लेकिन अब कोविड के प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि जगह जगह अभी स्कूलें बंद हैं और एक जगह बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करनी है, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पर कम ही बच्चे होंगे क्लास ट्वेल्थ के, क्लास टेंथ के, इसलिए उन्हीं को सेंटर बना दिया गया है और वहीं पर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। दूसरी चीज़, आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो यथावत डेट से ही होंगी। जैसे 2 तारीख से परीक्षाएं हैं और 3 तारीख से भी परीक्षाएं हैं क्लास टेंथ ट्वेल्थ की, तो वो अपने निर्धारित तिथि के अनुसार ही संपन्न होंगी, तो उसमें कोई फेर बदल नहीं किया जा रहा है, पेपर आगे पीछे नहीं हो रहा है, तो आप डेट का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। इसके बावजूद मैंने वो वीडियो जब अपलोड किया तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए, तो अब एक एक बच्चे के क्वेश्चन का आंसर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देता हूँ, उसी में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस को अडॉप्ट कर लेता हूँ, ले लेता हूँ और उनके जवाब आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ, आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और, जिस बंदे को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना हो, मैंने तो न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाई थी नवभारत की, आज 9 तारीख की, जिसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाए, उसमें मैंने डाल दिया, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कॉमेडी चैनल के नाम से आया है, ठीक है, नाम अपने सही लिखा करें जी आप लोग यूट्यूब पर, हमें भी पता चले आप कहाँ से हैं, कौन है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सर 9th और 11th के बारे में बताओ। पिछले कुछ दिनों से सबसे ज़्यादा क्यूरी जो है वो 9th और 11th की ही आ रही है। बोर्ड एग्ज़ाम का तो ठीक है, जो हो रहा है हो ही रहा है, क्लास 9th और क्लास 11th जो होम एग्ज़ाम है उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो प्यारे बच्चों देखिए, 9th और 11th के एग्ज़ाम होम एग्ज़ाम है और वो ऑनलाइन नहीं हो सकते। पिछले कई दिनों से बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि 9th और 11th के एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, तो ये टोटल जो है वो स्कूल पर डिपेंड करता है। जब बोर्ड के एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं लिए जा सकते तो आपके भी एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं लिए जा सकते, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होंगे, आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, जय नारायण त्रिपाठी जी ने पूछा है, सर मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज या कल से ही रिकॉर्डिंग शुरू करवाने की, क्लास टेंथ के लिए प्रॉपर तरीके से हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, कल या परसों से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है। इसके बाद मेन वीडियो पर आते हैं, जो आज की हमारी वीडियो थी उस पर क्वेश्चंस लेते हैं। इसमें दिलहरन सोनी जी ने पूछा है, सर स्कूल के टीचर होंगे या बाहर के टीचर। तो उसमें वीडियो में मैंने साफ साफ बताया है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं, सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आपके स्कूल के ही टीचर वहाँ के केंद्र अध्यक्ष बनाए जाएंगे और जो आपके स्कूल के टीचर हैं उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा, वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी एग्जामिनर के तौर पर, और केंद्र अध्यक्ष आपके प्रिंसिपल होंगे। और अगर आप प्राइवेट स्कूल से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल के लिए केंद्र अध्यक्ष नज़दीकी सरकारी स्कूल से आएंगे, केंद्र अध्यक्ष आपके गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से अपॉइंट किए जाएंगे और बाकी टीचर्स आपके स्कूल के एज ए एग्जामिनर वहाँ पर ड्यूटी करेंगे। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से ही टीचर आ जाएं एग्जामिनर के तौर पर भी, जिनकी ड्यूटी लगे परीक्षा में, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके ही स्कूल के टीचर की ड्यूटी वहाँ पर लगेगी। तो मेरा ख्याल है ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। एक और कमेंट मुझे मिला बहुत प्यारा सा, उसके लिए एडवांस में बहुत बहुत थैंक यू। कमेंट है 10th A धीरज बर्मन जी का, उन्होंने लिखा है, सर मैथ्स मेरे को नहीं आता था लेकिन जब से आपके लेक्चर्स को देखा तो मुझे आने लगा। थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी। बस हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि चेक कहाँ होगा,
कॉपी जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वो कॉपी चेक कहाँ होंगी, क्योंकि सेंटर अब आपके स्कूल को बना दिया गया है, तो कॉपी कहाँ चेक होगी, आपके स्कूल में या बाहर? तो याद रखिएगा, सारे बोर्ड के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे, सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर आपके स्कूल को बनाया जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें बोर्ड के प्रोटोकॉल के तहत ही होंगी। जैसे कॉपी आपके नज़दीकी जो थाना होगा, पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ पर आएगी, वहीं से डेली आपको कॉपी लानी ले जानी पड़ेगी, यानी स्कूल वाले करेंगे, आप तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। और पेपर होने के बाद उसी तरह से बंडल बांध के, जैसे हर साल होता आ रहा है, और ये बंडल ले जाके वहीं थाने में पहुंचाना होगा या स्कूल संकुल में पहुंचाना होगा, वो फिर इकट्ठा करके थाने में पहुंचाएंगे। तो सारी प्रक्रियाएं बोर्ड की तरह ही होंगी जैसे लास्ट ईयर होती आ रही थी। तो कॉपी चेक आपके स्कूल में नहीं होगा, बाहर ही होगा, वो बोर्ड जहाँ सेंटर निर्धारित करेगी वहीं पर चेक होगा। और अभी कुछ श्योर कहा भी नहीं जा सकता, अगर कोविड का असर ज़्यादा रहता है तो भी कॉपी बाहर ही जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था, स्कूल में चेक नहीं होगी, याद रखिएगा। और अगर ऐसी नौबत आ भी जाती है तो आपके स्कूल में चेक नहीं होगी, अदला बदली कर दी जाएगी, आपके स्कूल की कॉपी दूसरी जगह, दूसरे स्कूल की कॉपी आपकी जगह, ऐसा होता है, एग्जैक्ट उसी स्कूल में नहीं दिया जाता। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद राजा वर्मा जी ने पूछा है, सर 11th का बताओ, तो मैंने अभी 9th और 11th का दोनों का बता दिया, उम्मीद है आपके क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं टिकेंद्र देवांगन जी का, सर जी 2017-18-19 का ब्लू प्रिंट कैसे डाउनलोड करें प्लीज़। तो इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ब्लू प्रिंट आपको लास्ट ईयर के डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी साल का ब्लू प्रिंट देखना चाहिए कि आपके इस साल किस पैटर्न में एग्ज़ाम होने वाले हैं। और ब्लू प्रिंट्स के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अगर आपके पास परीक्षा बोर्ड, परीक्षा सार, ये सारी चीज़ें हैं तो उसके फ्रंट में आपको ब्लू प्रिंट दिया रहता है, आप उसी के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जो सी जी बोर्ड की है, www.cgbsc.nic.in पर चले जाइए और वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस में पहला पन्ना ब्लू प्रिंट का ही होता है, या ब्लूप्रिंट अलग से भी डले हुए हैं तो वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, नॉलेज एंड फन, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, इस साल मेरिट बनेगा तो चीटिंग की संभावना तो नहीं होगी ना? मेरिट तो इस साल बनना है, चीटिंग का रहा सवाल, तो चीटिंग तो स्कूल पर डिपेंड करता है जी, केंद्र अध्यक्ष बाहर के होंगे, और या अगर आप सरकारी स्कूल के हैं तो भी आप अपने सीनियर से पूछिए बोर्ड एग्ज़ाम किस तरह से होता है। चीटिंग का तो खैर ऑनलाइन आके कोई कह नहीं सकता, बाकी आप सब समझदार हैं, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, सीजी कमाई राजा, अगला कमेंट है सीजी कमाई राजा, सर टाइम तो दिला दो। टाइम बेटा बहुत मिला साल भर, और ये बोर्ड का शेड्यूल ही रहता है मार्च में एग्ज़ाम के लिए, और हर साल यही टाइम होता है, फरवरी लास्ट और मार्च स्टार्टिंग एग्ज़ाम के लिए। तो टाइम आपको साल भर मिल चुका, स्कूल लगे हों या ना लगे हों, ऑनलाइन पढ़ाई हुई हो या ऑफलाइन पढ़ाई हुई हो, ये पूरा सत्र तो था ही पढ़ाई के लिए, आपको किसी न किसी माध्यम से पढ़ाई करनी चाहिए थी। एक्स्ट्रा टाइम अब आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि अगला सत्र गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ विशाल यादव जी का, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देखेंगे बड़ा मज़ा आ जाएगा। उन्होंने लिखा है, यकीन कर लूँ ना सर, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के बाद भी अगर आपको यकीन नहीं होता तो मेरे ख्याल से अब सीधा ब्रह्मदेव को ही आना पड़ेगा आपको समझाने के लिए और यकीन दिलाने के लिए। तो मेरा जवाब ये है कि यकीन कर लीजिए जी, जग जाइए नींद से, ये जागने का समय है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं फैक्ट मेनिया, उन्होंने लिखा है, इसमें कोई अलग बात नहीं है, एग्जामिनर बाहर के रहेंगे इसलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम से प्रॉब्लम है या एग्ज़ामिनर से प्रॉब्लम है? तो मेरे ख्याल से दोनों से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम है अपनी पढ़ाई से, आपने साल भर पढ़ाई की नहीं है इसलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ता एग्ज़ाम ऑफलाइन हो या एग्ज़ामिनर बाहर का हो, आप तो हर सूरत में यही कहेंगे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होना चाहिए। हो गया जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ दिलेश्वर जी का, उन्होंने लिखा है, सर मॉडल पेपर टेलीग्राम में डाल दो ना क्लास 10th का। हाँ जी, मैं 12th का मॉडल पेपर टेलीग्राम में अपलोड कर चुका था, 10th का शायद मैं भूल गया था, तो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इससे पहले ये वीडियो मैं अपलोड करूं या आप तक मिले, उससे पहले मैं मॉडल पेपर को डाल चुका हूँ, टेलीग्राम पर ज़रूर विज़िट कीजिए।
ठीक है, एक क्वेश्चन काफ़ी दिनों से मुझे मिल रहा है, वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अनीशा डोंगरे जी ने पूछा है, सर ये बताओ कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो परीक्षा सार हिंदी विशिष्ट पढ़ेंगे या हिंदी सामान्य, और इंग्लिश में इंग्लिश जनरल पढ़ेंगे या इंग्लिश स्पेशल पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी दिनों से बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, तो इसको भी इसमें हमने शामिल कर लिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी से पहले जब एग्ज़ाम होते थे या हमारा जो सिलेबस होता था उसमें हिंदी मीडियम के लिए अलग सब्जेक्ट होते थे और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग सब्जेक्ट होते थे। ये इंग्लिश और हिंदी की बात हो रही है, मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते थे उनके लिए हिंदी को विशिष्ट रखा जाता था, हिंदी विशिष्ट रखी जाती थी और इंग्लिश को जनरल रखा जाता था। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते थे, इंग्लिश को विशिष्ट रखा जाता था, स्पेशल इंग्लिश, और हिंदी को जनरल रखा जाता था। अब लास्ट ईयर से बोर्ड ने ये परंपरा नष्ट कर दी है, कहेंगे इसको बंद कर दिया है। अब एक ही सिलेबस है, एक ही हिंदी की बुक इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी पढ़ेगा, हिंदी मीडियम का बच्चा भी पढ़ेगा, एक ही हिंदी की किताब, ना उसको जनरल कहेंगे ना विशिष्ट कहेंगे, ठीक है, ना जनरल कहेंगे और ना उसको स्पेशल कहेंगे। आ रही बात समझ? तो उसी हिंदी को इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी पढ़ेगा और उसी हिंदी को हिंदी मीडियम का बच्चा भी पढ़ेगा। तो अब ये जो पुराने भेदभाव थे जनरल का और स्पेशल का, इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब एक ही किताब दोनों तरह के मीडियम के बच्चे स्टडी करते हैं। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ये पहले होता था, अगर आप मॉडल पेपर भी देखेंगे तो उसमें आपको हिंदी विशिष्ट, हिंदी जनरल, इंग्लिश स्पेशल, इंग्लिश जनरल ऐसे आपको मिलेंगे, लेकिन अब वो प्रथा ख़त्म हो गई है, अब वो सिलेबस ख़त्म हो गया है। तो आपको आपके सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब आपके पास जो किताबें हैं उनसे आप पढ़ाई कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए विशिष्ट और जनरल क्या है, ख़त्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं लक्ष्य टेक का। इसमें उन्होंने पूछा है, इसमें एडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट को, यानी ये जो ऑफलाइन एग्ज़ाम अपने ही सेंटर में बच्चे दिलाएंगे इसमें बच्चों को फ़ायदा क्या होगा। तो बच्चों को भाई एक ही फ़ायदा होता है, उनको डिग्री मिल जाएगी, जो बच्चे साल भर मेहनत किए हैं उनको उनका फल मिल जाएगा, बाकी बच्चों का क्या है, एडवांटेज तो उन्हीं का है जिन्होंने मेहनत की। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर डेविल यूट्यूब ने पूछा है, सर टीचर स्कूल वाले होंगे कि बाहर वाले। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि स्कूल के टीचर ही आपके एग्ज़ामिनर होंगे और केंद्र अध्यक्ष बाहर से आएगा, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं बाहर, ठीक है। तो हिंदी क्या कहते हैं आपके गवर्नमेंट स्कूल के ही किसी प्राचार्य को भेजा जाएगा केंद्र अध्यक्ष बना के, और आपके स्कूल के टीचर एग्ज़ाम ड्यूटी कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं या आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहीं के टीचर आपके एग्ज़ामिनर भी होंगे और एग्ज़ाम सेंटर के केंद्र अध्यक्ष भी कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, जादूगर BGMI मोबाइल ने पूछा है, तो क्या, तो सर कुछ नकल का भी मौका मिलेगा क्या? देखो नकल करने वाले तो हर हाल में नकल कर ही लेते हैं, इसमें पूछने जैसा कोई सवाल ही नहीं है। ये तो अपने अपने टैलेंट पर डिपेंड करता है, कौन कितना टैलेंटेड है, दिखाने का अवसर आने ही वाला है 2 मार्च से, देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, आयुष तिवारी जी ने पूछा है, सर प्लीज़ मेक रिविज़न वीडियो। रिविज़न वीडियो के लिए उतना समय नहीं है बच्चे, अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ 1-2 दिन में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स कवर करेंगे। तो उन लेक्चर्स को आप देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी उनको शेयर कीजिए ताकि सभी लोग उन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और आगे क्या कहें, आप समझदार हैं, ठीक है। तो चलिए इसी पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपके सवालों के जवाब संतोषजनक आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप आस्क जीनियस लगा करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, हैशटैग लगाएंगे और आस्क जीनियस लिख करके उसके बाद अपने क्वेश्चन को टाइप कीजिए, मैं कोशिश करूँगा। अगली जो हमारी एपिसोड आएगी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की, उसमें हम आपके क्वेश्चन को जरूर शामिल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप समझ रहे हैं ना, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है और बेल का आइकन भी प्रेस करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत थैंक यू।